नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज 4 मई है, आप सबको याद ही होगा, और ना हो तो मैं याद दिलाए देता हूँ। आज के दिन को फायर फाइटर डे के रूप में मनाया जाता है। जैसे हमारे देश की रक्षा हमारे सीमा के प्रहरी करते हैं, उसी प्रकार जब कभी कहीं भी आग लग जाती है तो ये हमारे फायर फाइटर्स हमारी रक्षा करते हैं। यदि ये ना हो तो फिर क्या स्थिति हो, कितने ही खराब हालात हो सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं। इसीलिए आज के दिन विशेष हमारे अग्निशमन जो कार्यकर्ता हैं उन सबको सम्मान देते हुए, बधाई देते हुए और उनका आदर करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम बहुत ही कृतज्ञ महसूस करते हैं कि वो कैसे अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमारी धन संपदा और जान की रक्षा करते हैं। तो उन सबको अपने दिल की दुआएं देते हुए आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। जीवन में हमेशा तुलना यानी कि कंपैरिजन अपने से अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ में हमेशा करना हो तो उन्हीं के साथ करें, क्योंकि तुलना जो है वो अगर हम उन लोगों के साथ में करना शुरू करते हैं जिनके जीवन में कुछ खास विशेष नहीं है, या इस भाव से कि मेरे पास वो है उसके पास वो नहीं है, या उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, ये भावना जो है व्यक्ति के अंदर जो है निराशा पैदा करती है। तो हमेशा आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है कि तुलना करें, कंपैरिजन अगर करें तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति और श्रेष्ठ आत्मा के साथ करें। ये जीवन का एक ऐसा मंत्र है कि जब भी हम प्रातः उठें तो हम ये सोचें कि मेरा जीवन कितना श्रेष्ठ है, मेरा इस संसार में जन्म ही अच्छे कार्यों के लिए हुआ है और परमात्मा ने खुद मुझे इस श्रेष्ठ कार्य के लिए चुना है। तो इसमें जो नेगेटिव भावना आजकल कंपैरिजन यानी भाग दौड़ की जिंदगी में भौतिक सुख साधनों को जीवन में प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो कंपैरिजन करना शुरू करता है तो उसके पास जो खुद उपलब्ध है ना तो वो उसको एंजॉय कर पाता है, और जो दूसरे व्यक्ति के पास है वो उस तक पहुंच भी नहीं पाता है। तो कहने का भाव है कि जो आपके पास है, परमात्मा का दिया हुआ बहुत कुछ है, उसे अवश्य एंजॉय करें। आपका जीवन, आपके आसपास के लोग, आपका कार्य, आपका प्रोफेशन, उसको दिल से करें, उसको एंजॉय करें, लेकिन उस तरह से कंपैरिजन ना करें जिससे कि आपके अंदर जो है ऐसी भावना आ जाए, व्यर्थ कहें या शंका की भावना आ जाए, लेकिन अच्छी भावना के लिए अच्छा श्रेष्ठ कंपैरिजन तुलना करते रहें जिससे कि हम अपने आप का विश्लेषण कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि सूर्य यदि अपनी तुलना चांद से करने लगे कि चांद में जैसी शीतलता है वो शीतलता मुझ में क्यों नहीं है, या चांद अपने आप को कंपेयर करने लगे सूर्य से कि उसके जैसी रोशनी, उसके जैसी जो उष्मा है, तेज है, वो मुझ में क्यों नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि संसार की क्या हालत होगी। और क्या ये करना ठीक है? हरेक अपने अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण है, हरेक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक बड़ी सी मशीनरी भी होती है, कारखाना होता है, हर एक छोटे से छोटे कल पुर्जे का अपना महत्व है। यदि एक छोटा पुर्जा भी कहीं से लूज हो जाता है तो पूरी मशीनरी ठप हो जाती है, हम जानते हैं। हर एक महत्व रखता है, इसीलिए एक दूसरे से कंपेयर ना करते हुए अपनी विशेषता को एंजॉय करना, अपनी विशेषता से दूसरों को प्रेरित करना, ये बहुत महत्व रखता है, और यही आज हम सब ने सुना।
चलिए इस सुंदर बात के साथ कि हम कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन अपनी सुंदर विशेषता को और आगे से आगे बढ़ाते चलेंगे। चलते हैं आज के सुंदर हेल्थ टिप्स की ओर। देखते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में, आज डॉक्टर साहब हमें किस बात की जानकारी दे रहे हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, स्मृति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जो कुछ हम देखते सुनते हैं, कर्म करते हैं, वो सब न रिकॉर्ड होता है। पर दोस्तों, धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बीतती जाती है, 55, 60, 65, 70, आप देखते होंगे, आप खुद भी देख रहे होंगे, आपकी स्मृति कम होती जाती है। क्यों ऐसा होता है? ये सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। किंतु अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो इसको अल्जाइमर डिजीज़ कहा जाता है। और अल्जाइमर का मतलब ही क्या है? बेसिकली ये एक सेनाइल डिमेंशिया है। सेनाइल अर्थात ये डिमेंशिया जो उम्र के साथ आता है, क्योंकि नर्व सेल्स, ब्रेन की सेल्स डैमेज होने लगती हैं, मरने लगती हैं अधिक मात्रा में, और जो कनेक्शंस नर्व्स के बीच में कनेक्शंस हैं वो डैमेज होने लगते हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। पर किन लोगों में ज़्यादा होता है ये? जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, है ना, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके द्वारा हमें कुछ ऐसी बीमारियां और भी हैं जिनमें हम, सेरिब्रल डिसऑर्डर्स हैं, तो उनमें जो है हमें ये जो बीमारियां ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, मरीज़ को जैसे क्या होता है, ये तो याद नहीं रहता, बातें नाम भूल जाते हैं, खाना खाया था नहीं खाना वो भूल जाते हैं। लगभग 1 मिलियन केसेस भारत में, लगभग 10 लाख केस हर साल रिपोर्ट होते हैं, और ये एक बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि स्किन इन लोगों को याद भी कुछ नहीं रहता है, खाना पीना भी भूल जाते हैं, अपनी पर्सनल केयर भी भूल जाते हैं, और कन्फ्यूज रहते हैं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, अपना घर भी भूल जाते हैं। और इनका जो ट्रीटमेंट पार्ट है दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और इसका परमानेंट क्योर तो कोई भी नहीं है। हाँ, इसमें हम कॉग्निटिव कुछ तो कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि एनहांस करती हैं मेमोरी को और कनेक्शंस को थोड़ा बेटर कर सकती हैं। और दूसरा जो है, कुछ कॉग्निटिव एनहांसिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे फिजिकल एक्सरसाइजेस कराते हैं, कुछ कॉग्निटिव थेरेपी करते हैं, सिंपल गेम्स जहाँ थोड़ा कैलकुलेशंस होती हैं वो उनको खेल के रूप में सिखाई जाती हैं, तो वो जो है उनको, उनकी मेमोरी को बढ़ा देता है और उनकी जो है इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो दोस्तों, याद रखें, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेमोरी आपकी कुछ कम होती जा रही है, आप न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें या एक फिजिशियन से मिलें, वो आपको इसके बारे में सही डायग्नोस करके देगा और इसका इलाज शुरू करेगा। और थोड़ा सा भी, थोड़ा जो कॉग्निटिव थेरेपी या थोड़ा सा ये जो आप कुछ दवाइयाँ हैं जो आपकी मेमोरी को मेंटेन, एटलीस्ट कम, ज़्यादा नहीं, तेज़ी से कम ना हो, उसे एटलीस्ट मेंटेन कर पाए, आप इसका इलाज कराएं। ओम शांति। मित्रों, जिन्हें हम टेलीविजन पे या बड़े पर्दे पर देखते हैं, थिएटर में देखते हैं, मंच पर सुंदर अभिनय करते हुए, विभिन्न किरदारों को निभाते हुए, वो जैसे हमारे परिवार के एक सदस्य बन जाते हैं, हमारे दिल के बहुत करीब आ जाते हैं। हम उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या हैं, क्या सोचते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, या फिर वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। और यही कारण है कि विशिष्ट जन की बातें विशेष में ऐसे ही विशेष अतिथियों को हम प्रतिदिन आपसे मिलाते हैं, ताकि उनके जीवन से हम भी प्रेरणा प्राप्त करके आगे से आगे बढ़ें। आज हमारे साथ हैं मानसी पटेल जी, जो कि टीवी एक्ट्रेस हैं। आइए मिलते हैं। लाइफ में बैलेंसिंग फैक्टर इज वेरी नेसेसरी। आप बह मत जाओ कि बस मुझे ये अचीव करना है, इतना कमाना है, इतनी शोहरत, नाम, उसके पीछे बह मत जाओ। टेक एवरीथिंग लाइक एट ईज, काम भी करो, सब करो, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बन के रहो। खुद किसी को तकलीफ मत दो। आप और कोई तकलीफ देता हो तो उसको ओम शांति बोल के अपनी लाइफ से आराम से इरेज कर दो। यू नो, डोंट फाइट, डोंट गेट एग्रेसिव, जस्ट अवॉइड, वो पर्सन को दूर रखो, और जहाँ पे आपको शांति सुकून मिलता है वहाँ काम करो, दिल लगा कर काम करो। एक ऐसी संस्था से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज सच प्लेसेस आर बैलेंसिंग फैक्टर लाइफ में।
वरना आप तो बस एक बस जीते जा रहे हो लाइक एन एनिमल. जब आप ऐसी जगह पे आते हो देन यू रियलाइज कि ऐसा सिर्फ वो नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है. स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है. ठहराव आ जाता है आप में. खाली पैसे कमा के नाम कमा के जो पीस और खुशी नहीं, ये भी ज़रूरी है. तो वो भी करो, ये भी करो, खुद खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो. अगर अच्छे कर्म नहीं कर सकते तो बुरे कर्म भी मत करो. दे नहीं सकते हो किसी को कुछ, ठीक है कोई बात नहीं. अगर आपकी कैपेसिटी में नहीं है मत दो, कोई बात नहीं. लेकिन खुशी नहीं दे सकते, दुख भी मत दो बस. मित्रों, अब तक हम अध्यात्म के लिए एक ऐसी मानसिकता लेकर चल रहे थे कि 60 साल के होने के बाद या अपने वृद्धावस्था में चल करके हम धर्म और अध्यात्म की बात करेंगे. लेकिन प्रतिदिन जब अपने विशिष्ट जनों की बातें हम सुनते हैं और कैसे वो अध्यात्म से प्रेरित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा भी ये निश्चय पुख्ता होता चलता है कि सचमुच ये जीवन में बाल्यकाल से ही आवश्यक है. जिस भी काल में हम हैं, जिस भी फील्ड में हम हैं, वहाँ हमें आगे से आगे बढ़ने में, उन्नति करने में, सशक्त रहने में ये हमारी मदद करता है. तो क्यों ना हम भी अध्यात्म के पथ पर अवश्य अपने कदम आगे बढ़ाएं. और इसमें हमारी मदद ब्रह्मा कुमारियाँ वर्षों से करती चली आ रही हैं, हमारे जीवन को निखारने में, तराशने में, हमारे सोचने, बोलने और व्यवहार करने के तरीके में हम कैसे एक सुंदरता लाएं ताकि जीवन सफल होता चले. आइए देखते हैं उनके सुंदर सेवा कार्यों को कि ये कला वो कहाँ कहाँ सबको सिखा रहे हैं. गुजरात के भरूच में स्थित ब्रह्मा कुमारी राधेश्वर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ. अनुभूति धाम केंद्र के 30 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केक कटिंग की गई. कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए भरूच उपक्षेत्र प्रभारी बीके प्रभादी दी, भाजपा भरूच उपाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह परमार, नेत्रांग मामलातदार श्री नवनीत भाई पटेल और कृषि विभाग अधिकारी श्रीमती भविष्याबेन तथा अन्य अतिथि पधारे. साध्वी मंडल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री जीवराज भाई और भरूच यातायात पुलिस निरीक्षक श्री तडवी जी ने अपने अपने भाव बोल द्वारा प्रकट किए. सेवा केंद्र के 30 साल पूरे होने के जश्न के साथ साथ सड़क सुरक्षा, मोटरसाइकिल यात्रा तथा आत्मनिर्भर किसान अभियान का भी सफल संचालन हुआ. मोटरसाइकिल यात्रा सुबह 9:30 बजे जादेश्वर अनुभूति धाम से शुरू हुई और भरूच शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरती हुई 5:00 बजे अंकलेश्वर GIDC केंद्र पर समाप्त हुई. मित्रों, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वो बहुत ही चिंतनीय विषय है और आज हम सब मिलकर उस पर चिंतन ज़रूर करें कि मैं विशेष हूँ, मैं यूनिक हूँ, नो वन कैन प्ले माय रोल. मैं अपने कार्य को जिस बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ वो और कोई नहीं कर सकता. और ईश्वर की मैं यूनिक रचना हूँ. गॉड डजंट क्रिएट गार्बेज. वो कभी भी कोई भी ऐसी निरर्थक चीज़ बना ही नहीं सकते. यदि उन्होंने मुझे बनाया है तो मैं यूनिक हूँ, मैं विशेष हूँ. बस मैं किसी दूसरे के साथ अपने आप की तुलना ना करूँ. इससे मेरी खुशी भी कम हो जाती है, मैं हीन भावना से ग्रस्त हो जाता हूँ. मेरी जो उत्पादक शक्ति है, कार्य करने की क्षमता है, वो सब कुछ समाप्त होती चलती है. आप अपनी खुशी के, अपनी शांति के, अपने जीवन के इंचार्ज बन जाओ. इसे किसी दूसरे के हाथ में ना दो कि वो आपके जीवन को नियंत्रित करे या आपकी ये जो फीलिंग्स हैं तुलना करने वाली, वो कहीं आपकी इस खुशी को छीन ना ले. तो मित्रों, इंचार्ज बने अपने जीवन के और साथ साथ किसी से कंपेयर ना करते हुए अपने आप को विशेष से विशेष बनाते चलें, अपनी विशेषता को कार्य में लगाते चलें. हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं कि आप जीवन में आगे से आगे बढ़ते चलें, सबको प्रेरित करते चलें. नमस्कार. ओम शांति.